ये हौसलों की उड़ान है। दीदी 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 आपने तो चमत्कार ही कर दिया दीदी। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। देखा, हमने कहा था ना कि इंस्पेक्टर साहब मान जाएंगे। आप सब बेवजह ही डर रहे थे। इंस्पेक्टर साहब आप सबकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते। अब चलो जल्दी से जाओ और एकलव्य को ये खुशखबरी दो, जाओ। हाँ दीदी, हम उसे अभी बताते हैं, उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। जा। क्या हुआ, आप लोग खुश नहीं लग रहे? क्या आप लोग प्रीति की शादी से खुश नहीं है? आपने जो भी कुछ किया ठीक नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब प्रीति की शादी के लिए राजी हो गए, लड़के के माँ बाप से मिलना चाहते, क्या ये अच्छी बात नहीं है? आप नहीं समझ पाएंगे, बहुत पछताएंगे। पछताएंगे? माँ जी, हमने जो किया क्या वो गलत था? क्या आप प्रीति के रिश्ते से आप खुश नहीं हैं? हमें कभी कभी ऐसा लगता है खुशी इस घर के लिए शिफा है। जब भी कुछ अच्छा होना होता है इस घर में सब उल्टा हो जाता है। सूरज, कुछ बोलो ना सूरज। हेलो हेलो, अरे अरे, इस हालत में क्या कर रही है? पानी क्यों खींच रही है? ला, हम मदद कर देते। धन्यवाद, बड़ी कृपा छोटे मालिक। अब ये सब लेकर कैसे जाएगी? पति कहाँ है तेरा? वो यहीं कहीं गए हैं। जब वो आएगा ना तो उससे कहना कि इस हालत में तुझसे ये सब काम ना कराए, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। चल हम मदद कर देते हैं तेरी। आप बहुत अच्छे बाप बनेंगे छोटे मालिक, दास बाबा आपको चांद सा बेटा दे। बेटा हो गए बेटी, कुछ तो बताओ तुम्हें क्या लगता है किसके कपड़े रखे हम? बताओ ना, हम हमारी नन्ही सी सुंदर सी राजकुमारी के कपड़े रखे या परियों के सपनों की राजकुमार के? कुछ तो बोलो सूरज। चुप रहो तुम, हम कोई बाप आप नहीं बनने वाले। अगर दोबारा ऐसी बात की ना तो चकोर के पेट में बच्चा है लेकिन वो हमारा। हमारा कोई बच्चा नहीं होने वाला है, ना कोई बेटा ना कोई बेटी जो हमें पापा कह के बुलाए, कभी भी नहीं। ऐसे मत कहिए छोटे मालिक, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाई है और आपको पापा कहने वाला दुनिया में जरूर आई है। दीदी के कोख में बच्चा पला और उस बच्चे का बापू घर पे चहसते गए सूरज। तड़प रहे हम तुमसे बात करने के लिए, तुम्हारे साथ बैठने के लिए, उन सपनों के बारे में बात करने के लिए जो हमने अपने बच्चे के लिए देखे, उनके नाम सोचे।
जो शरारत वो करेंगे वो सोच सोच कर हंसे। मगर किससे अपना सुख दुख बांटे, कोई नहीं है यहाँ। सूरज, तुमने हमारा कहीं फोन देखा? हम यहीं छोड़कर गए थे, पता नहीं। अरे ये तो तुम्हारे पास ही है। शुक्रिया। फिर आप अपने आप को रोक नहीं पाई चकोर जी। पता लगाने के लिए यहां तक आ ही गई। हमने आपको इस तरह जाते हुए देखा तो आइए बैठिए। जी कई साल पहले विजयदशमी के ठीक एक दिन बाद हमारे पिताजी के परम मित्र ने उनकी जान ली। चकोर जी, ये पटाखों की आवाज आ रही है आपको? उस दिन भी यही पटाखों की आवाज गूंज रही थी, उस दिन भी यही पटाखे बज रहे थे। उस दिन से लेकर आज तक हमारे कानों में यही आवाज गूंजती रहती है दिन रात। इस कलश में हमारे पिताजी की अस्थियां हैं। हर साल इस मनहूस दिन को हम यहां पर आते हैं और इस कलश में से थोड़ी थोड़ी अस्थियां गंगा जी के ठंडी गोद में बिछा देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप ये अस्थियां एक साथ क्यों नहीं बहा देते जैसे सारे लोग करते हैं? नहीं, अगर ये कलश खाली हो गया तो हमें कौन याद दिलाएगा कि हमने अपने पिताजी की मौत का बदला लेना है? ये अस्थि कलश तभी खाली होगा जब हम अपने पिताजी की मौत का बदला लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, खून का बदला खून से नहीं लिया जाता है, और ये बात तो आपका कानून भी कहता है। किसी को मार डालने से कोई मरा हुआ जिंदा नहीं हो जाता।
अब सही कह रही है चकोर जी, मुझसे मारेंगे नहीं, हम उसके साथ वही सलूक करेंगे जो उसने हमारे साथ किया। उसने हमारे पिताजी को मार के हमारे पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल दिया। हम उसके बेटे को मार के उसके परिवार को अंधेरे में धकेलेंगे। उसने हमारे पिताजी को मार के हमारे पूरे परिवार को अंधेरे में धकेल दिया। हम उसके बेटे को मार के उसके परिवार को अंधेरे में धकेलेंगे। अरे अब आप ये भी नहीं कर सकते, एक नंबर कम है ना, तो एक से दस के बीच में ही होगा ना, सब बारी बारी लगा के देख लियो। पाकी तू कितनी समझदार हो गई है। हाँ हम नानी के घर गए थे ना, तो मामा ने हमें सारे नंबर सिखा दिए थे और ये भी सिखा दिए थे कि फोन कैसे चलावत है। अच्छा हाँ। अरे वाह हमारी चतुर चतुर पाकी, चल अब सारे नंबर ट्राई करते। हेलो चकोर, उसको इस बात का एहसास दिला कर रहेंगे कि किसी अपने के बगैर रहना कितना मुश्किल होता है।